गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं हूँ सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ पर। अभी चल रही है उत्तर वाहिनी नर्मदा जी की परिक्रमा। आज से शुरू हुई है 22 मार्च 2023 चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। सन शुरू हुआ है हिंदू नववर्ष और आज का बहुत शुभ दिन इसलिए भी क्योंकि सलाहकारेश्वर महादेव पर जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है पूरे एक महीने, लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो परिक्रमा भी आज से शुरू हुई है। सुबह 3 बजे से लोग आने शुरू हो गए हैं, परिक्रमावासी भक्त। और ये आप देख रहे हैं यज्ञशाला, मैं भी आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। हम अखंड महामृत्युंजय मंत्र का हवन कर रहे हैं। 125 करोड़ आहुति भगवान को लगेगी काले तिल और घी की। सो एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। इस अवसर को आप भी मत चुकिएगा। मैं लाइव करूँगा, फेसबुक मैंने अभी लाइव किया है और अभी एक दो दिन में व्यवस्थित हो जाएंगे, तो पूरा 24 घंटे लाइव करने का प्रयास है मेरा फेसबुक पे। सो यहाँ पर हमने पूरी तैयारियाँ की है ताकि श्रद्धालु आ सकें और उन्हें सुविधा रहे। ये भी गर्मी बहुत होती है, आप समझ सकते हैं गर्मी बहुत भयंकर होती है, तो हमने उन छतरियाँ लगाई है और उनके बैठने के लिए व्यवस्था की है ना। और ये नंदी जी है, विश्व के सबसे बड़े नंदी जी, विशाल काय, इनके सानिध्य में हम कर रहे हैं अखंड महामृत्युंजय आहुति यज्ञ। 125 करोड़ आहुति भगवान को, अग्निदेव को लगने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो सुंदर वातावरण है, शाम हुई है, संध्या काल, अभी यज्ञ की आहुतियाँ चालू है। बीच में ब्रेक किया है हमने शिव की आरती के लिए क्योंकि संध्या काल को आरती होती है। वैसे अखंड आहुति लग रही है और तैयारियां चल रही है आरती की, दीप प्रज्वलन की तैयारियां चल रही है। और उस जैसे ही आरती ख़त्म होगी हम फिर से मंत्र आहुति शुरू करेंगे। अखंड महामृत्युंजय मंत्र आहुति 125 करोड़। ये यज्ञशाला है, आप देख सकते हैं शिव का आशीर्वाद। और ये यज्ञशाला है, खास इसी अवसर के लिए बनाई गई है। अब अगर आप देखेंगे यज्ञशाला पर लिखा हुआ है सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, विश्व का पहला तीर्थ जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति है, सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, पवित्र उत्तर वाहिनी में माँ नर्मदा के तट पर, रेंगण गुजरात। विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 22 मार्च से 20 अप्रैल लगातार अखंड आहुति होगी, 125 करोड़ अखंड महामृत्युंजय आहुति यज्ञ। और अभी आरती की तैयारियां चल रही है, मुख्य देव भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक हुआ है, आप ये दर्शन कर सकते हैं, ये अभिषेक का जल है, अभिषेक हुआ है। और ये स्फटिक के शिवलिंग है, सुंदर श्रृंगार हुए हैं, ये सर्वतोभद्र है, राइट, चतुर्लिंग तो भद्रमंडल पर विराजमान हुए हैं देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ। और साथ ही सभी देवताओं का आह्वान किया है यज्ञ से पहले, उधर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। ये यज्ञ कुंड है, इसमें आहुति चल रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखेंगे यहाँ पर रुद्राक्ष, एक मुखी से लेके और 14 मुखी तक रुद्राक्ष ये अनुष्ठान में रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि 125 करोड़ मंत्रों की आहुति हो रही है, तो ये बहुत ही दुर्लभ अनुष्ठान है और यहाँ पर अनुष्ठान से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष हमें चाहिए। सो ये एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने रुद्राक्ष की अभिषेक रखा है, रुद्राक्ष की मालाओं का अभिषेक। ये सभी सिद्ध रुद्राक्ष 125 करोड़ महामृत्युंजय जाप से होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कलश से अभिषेक हो रहा है शिव का। ये नर्मदेश्वर शिव हैं, इन्हें हमने रुद्राक्ष के कैलाश के भाव से, कैलाश पर्वत का जो भाव है उस भाव से रुद्राक्ष के पर्वत पे विराजमान किया है। और यहाँ पर अभिषेक कंटिन्यूस हो रहा है।
और 1.25 करोड़ महामृत्युंजय की आहुति यज्ञ में ये सभी सिद्ध रुद्राक्ष भी आप ले सकेंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस विषय पर, मैं आपको लाइव करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा और आप लोगों को भी इसका लाभ मिले ऐसी व्यवस्था करते रहेंगे। ये पवित्र उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा के भी आप दर्शन कर सकते हैं। चैत्र महीने में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, मैं वो लोग जब लोग आने शुरू होंगे तो उनका भी वीडियो शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, नर्मदेहर।